नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां सचिवालय का भय दिखाकर ग्रामीणों, अधिकारी और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने वाले थाना क्षेत्र मुसौली के दबंग ने अहमदा में चक्रौड़ पिटाई के दौरान सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न कर प्रधान प्रतिनिधि को जाति सूचक गालियां देकर जान से मारने की भी धमकी दे डाली। वही पीड़ित प्रधान प्रतिनिधि ने थानाध्यक्ष मुसौली को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। कोई आपत्ति नहीं है। आप खुश हैं? अच्छा, आप खुश हैं चक्रोड पटने से? आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा दादा, आप बताइए क्या नाम है आपका? फकीरेलाल मौर्या। अच्छा अच्छा, यहीं के निवासी हैं? अमदाहा के? अमदाहा के। चक्रोड जो पटा है, आप लोग इससे खुश हैं? हम एप्लीकेशन दे रहे। अच्छा, पहले पटवाने के लिए? अच्छा, तीन चार जगह दी है। अच्छा, एक जगह नहीं दी है कि ये चक्रोड पट जाए? पट जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लाने ले जाने में कृषि जो साधन है नहीं मिलत रहा है। अच्छा, इंजन लावे खातिर। अच्छा, इंजन नहीं निकल पाता था। रोड पटवा रहे थे? हाँ। तो अगल बगल के किसानों को किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है? सबको ये लगा कि हमारे गांव में अच्छी सुविधा मिल रही है, तो हम यहाँ तक कि चक्रोड पटा लाए। और इधर जब अमरीश मौर्या जी के खेत के पास आए तो इन्होंने हमको एक बार फ़ोन पे भी धमकी दिया है, और हमको मिले बोले आप उधर 2 मीटर से ज्यादा चक्रोड नहीं पटवाए। वही अगली खबर चंपावत से है, जहां जिले के बाराकूट ब्लॉक की ग्राम सभा चाचरी में अज्ञात लोगों के द्वारा गुरुवार देर रात वन पंचायत की भूमि से जेसीबी लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क काट दी गई, तथा सड़क काटने के साथ साथ इन लोगों के द्वारा लगभग 500 से अधिक बहुमूल्य बांज और बुरास के पेड़ भी काट दिए गए। वही शुक्रवार सवेरे ग्रामीण को जब इस काम की भनक लगी तो सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वही इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग में इन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम पंचायत चांचड़ी, मैं सरपंच और यहाँ ग्राम चांचड़ी की वन पंचायत विभाग में जो है तो इन्होंने रोड काट लिया अज्ञात लोगों ने, और यहाँ पेड़ बहुत से पेड़ काट के जो है तो दफनाए गए हैं, और ये लोगों ने बहुत अवैध, और गांव वाले सभी इसमें आकर्षित हैं। और इसमें मेरा निवेदन है कि विभाग से इसमें सख्त से कार्रवाई की जाए जल्दी से। वही अगली खबर झांसी से है, जहां 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, खजुराहो और डबरा स्टेशनों के पुनर्विकास करने का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। ये सारी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को वार्ता के दौरान बताई है। वही भारतवर्ष के 508 स्टेशन और 775 करोड़ का प्रोजेक्ट ये जुड़ेगा, और ये वर्ल्ड क्लास स्तर का सबसे बेहतर स्टेशन बनेगा। वही कई सारी सुविधाएं रहेंगी। इस दौरान बुंदेली सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जी हाँ, झांसी डबरा और खजुराहो स्टेशन का जो पुनर्विकास का कार्यक्रम है उसके लिए शिलान्यास करेंगे। इस क्रम में भारतवर्ष के 508 स्टेशन और जुड़ेंगे, और ये वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। तो मेन इसका उद्देश्य है कि आप लोगों के माध्यम से जनता में वो बताना कि बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के इसका भागीदार बने। ये 477 करोड़ का प्रोजेक्ट है लगभग, और ये वर्ल्ड क्लास स्तर का होगा, एयरपोर्ट टाइप का। इसका फसाद जो है, फ्रंट व्यू और बैक व्यू, ये अपनी जो झांसी का किला है और रानी महल उससे प्रेरित है। वही अगली खबर बस्ती से है, जहां मंडल की एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी पेश कर अजीजुर रहमान को 8,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया है। जहां वसीयत में नाम चढ़ाने के लिए पेशकर ने रिश्वत मांगी थी, वही एंटी करप्शन टीम ने घुसखोर पेशकर को अरेस्ट कर कोतवाली ली गई है। उसके खिलाफ धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। वही आपको बता दें कि शिकायतकर्ता राजकुमार गुप्ता वसीयत में अपनी पत्नी और अपने भाई को पत्नी का नाम दर्ज कराने के लिए चकबंदी पेशकर के पास गए थे, जहां आरोप है कि पेशकर ने वसीयत में नाम चढ़ाने के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी। काफी फरियाद के बाद 8,000 में वसीयत का नाम चढ़ाने का मामला डन हुआ। उसके बाद शिकायतकर्ता ने पहले से एंटी करप्शन टीम को सूचना दे रखी थी। जैसे ही पेशकर ने रिश्वत का 8,000 नगद लिया, उसी दौरान टीम ने
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। 2023 को शिकायतकर्ता राजकुमार गुप्ता जो कलवारी के निवासी हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र बस्ती मंडल कार्यालय भ्रष्टाचार निवारण संगठन पर आकर दिया। वो उसमें उन्होंने यह अंकित किया था कि मेरी माताजी का देहांत हो गया, देहांत से पूर्व उन्होंने अपने मकान की वसीयत अपने पुत्र बहुओं के नाम कर दी थी, तो वसीयत के आधार पर नामांतरण करने के लिए चकबंदी कार्यालय में ये बाबू हैं शकील अजीजुर रहमान ने इससे 20,000 रुपये की डिमांड की, 20,000 रिश्वत आप दीजिए तब आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्सपायर हो गई थी, हमने इनके पास कागज लेके गए, एक साल से दौड़ रहे हैं पीछे 20,000 रुपया मांग रहे थे। हम कहें सर हमारे पास है नहीं, कहना आधा पैसा दे दो आधा बाद में दे देना, आज आधा पैसा दिए तो कह रहे हैं कि उसके बाद आधे पैसे में काम नहीं चलेगा, पूरा देना पड़ेगा पैसा। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जिसमें एक वारंटी का पता ना बताने पर गांव के सम्मानित बुजुर्ग के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। वही बुजुर्ग ने पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। जी मैं यहां अपने पशु वाले घेर में सो रहा था, रात को अचानक पुलिस आई और उन्होंने मुझे से पूछा कि मानविंदर का घेर बताओ। मैंने बताया कि मैं बीमार हूँ भाई, मैं जा नहीं सकता, मानविंदर का घेर पूरम में मंदिर के रो रहे हैं और मेरी उनकी करीब 20 साल से लड़ाई चली हुई है, जो मामला एसडीएम के यहाँ तकसीम का चल रहा है, मैं नहीं जा सकता। पिताजी ने कहा कि मानविंदर से हमारा 20 साल का विवाद चल रहा है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता, मैं घर बता रहा हूँ पूरा वाले मोहल्ले में उसका घर है। तो इस बात को सुनकर दरोगा जी को बहुत गुस्सा आया और पिताजी से गाली गलौज करने लगे। पिताजी ने कहा गाली गलौज बंद करो, तो उन्होंने टंडे मारे। वही अगली खबर पौड़ी से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है, जहां मंडल मुख्यालय पौड़ी के एजेंसी चौक में कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताई है। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जहां आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया, तो वहीं मिठाई बांट इसे नफरत के खिलाफ और मोहब्बत की जीत भी बताई। राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण भाजपा ने बना दिया था और हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको चुनौती देते हुए राहुल गांधी जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, अपील की थी, तो उसी संदर्भ में आज जो फैसला आया है वो राहुल गांधी जी के पक्ष में आया है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया है। निश्चित रूप से ये बुराई पे सच्चाई की जीत मानी जा सकती है। जिस तरह से भाजपा ने माहौल बना रखा था और लगातार जो है राहुल गांधी जी को वो लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां नरेंद्र मोदी के नाम पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को राहत दे दी है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता दोबारा से वापस मिल सकती है। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना के बाद कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और न्यायालय पर विश्वास जताते हुए आभार व्यक्त किया। जब राहुल गांधी जी पर ये अपराध घोषित करने का प्रयास किया गया, सब लोगों का एक ध्यान था कि क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज लोकतंत्र बचाना काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए आज कोर्ट से एक निर्णय आया है, जो राहुल आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की गई थी भाजपा द्वारा, मैं भाजपा द्वारा ही कहूँगा, एक ऐसा निर्णय मतलब करा के जो है जो सदस्यता खत्म की, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि इस देश में प्रजातंत्र को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। वही अगली खबर जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां सड़क दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने जनपद के सभी स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। बैठक में डीएम ने नाराजगी जताई कि दोपहिया वाहन पर 3-3 नाबालिग बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं, जो दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने प्रशासन को एक जीओ भी भेजा है, जिसमें मानक के अनुरूप स्कूलों की बसों से ही छात्र छात्राओं को स्कूलों में पेरेंट्स भेजे। वही अक्सर देखा जाता है कि छोटे हाथी को
मॉडिफाई करके और ई रिक्शा में तादाद से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई है। वहीं सभी स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि अगर अभिभावक पर्सनल दोपहिया वाहन से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो दोपहिया वाहन पर खुद भी हेलमेट लगाएं और अपने बच्चे को भी हेलमेट लगाकर स्कूल कॉलेज छोड़ने जाएं। वहीं डीएम ने प्रिंसिपल को आदेश दिए कि पेरेंट्स मीटिंग को बुलाकर अभिभावकों को समझाएं जिससे स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित रह सके। ये आज दो बैठक की गई। एक तो पहला बैठक था कि जो जितने भी स्कूल्स हैं CBSE की है अफिलेटेड और स्टेट गवर्नमेंट का भी, इसमें सभी प्रिंसिपल्स आए पहुंचेंगे मीटिंग में। इसमें एजेंडा यही था कि जो एक जो नए शासनादेश हुआ है और उसके तहत जो बच्चों को जो स्कूल में जो व्हीकल्स का प्रयोग की जाती है, कुछ स्कूल्स का अपना खुद का व्हीकल्स है, कुछ लोग प्राइवेट व्हीकल्स हायर करते हैं, कुछ लोग बच्चों का अभिभावक भी छोड़ के जाते हैं। तो तीन जहां बच्चे जो स्कूल्स का व्हीकल्स है, एक सेट नॉर्म्स है और इसका फिटनेस का एक नॉर्म्स है और रेगुलर इसका चेकिंग होती है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के संबंध में एक नया एक स्कूल लेवल पर कमेटी बनेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।